सभी स्टूडेंट को पीसा के बारे में हम बता रहे हैं। पीसा के लिए देखिए, आपको एक अभी एक लिंक दिया गया होगा, जैसे इसमें जो भी आपके मेंटर टीचर हैं वो आपको लिंक भेजे होंगे। तो इस लिंक में ये देखिए दिख रहा है पहले CCT 6, ये तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पेपर दिखेगा। इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन हैं टोटल। ये आपको अपने आराम से बैठकर कॉपी में कितना भी सॉल्व करके पढ़ के और 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जैसे मन करे वैसे। ये टोटल 30 क्वेश्चन देखे दिख रहे हैं। इसमें कोई अभी फ़िलहाल टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप 1 घंटे में 2 घंटे में जब भी आप कर पाएँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेना। और उसके बाद में सबके क्वेश्चंस नंबर लिखकर एक रफ कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 30 तक लिख के, और उसके आगे जो भी आपको आंसर यहाँ सही लग रहा है ना कि ये ए है, ये बी है, स्मॉल में हो चाहे कैपिटल लेटर में हो, सारे ऑप्शन ABCD में ही हैं, तो अपनी एक रफ कॉपी में या जिसमें आप सॉल्व कर रहे हो, हाँ सबका ये देखो ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको जो सही दिख रहा हो 30 क्वेश्चंस में सबका लिख लेना। उसके बाद उसके ठीक नीचे उसके ऊपर में देखो एक ये CCT 7 के भी बारे में भी दिया हुआ है। जो ये CCT 7 है ये भी क्वेश्चन पेपर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आज CCT 6 कर लें और कल CCT 7 कर लें, या थोड़ा टाइम बीच में गैप लेकर कर सकते हैं। इसको भी पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है और एक रफ पेज में क्वेश्चन नंबर 30 तक सब खाली क्वेश्चन नंबर लिख के और उसके आगे आपका ऑप्शन अपना लिख लेना है पेन पेपर से। अच्छा, एक पेज में इसको लिख के रखना है। लेकिन अभी आपने पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको अब क्या करना है कि एक वेबसाइट पर आपको ये अपने जो क्वेश्चन पेपर का आपने सॉल्यूशन किया उसको एंटर करना है। वो वेबसाइट के लिए लिंक दिया हुआ है, देखो नीचे क्लिक किया है, इसमें वीडियो में दिखा रहा है। तो आपको ऐसा एक 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 इंटरफेस खुलेगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स का, ये देखो यहाँ पर से भी सभी स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड एक ही जैसा है, स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है, तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ये टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पर अपने नाम के आगे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेम ही है, 191208 करके, ये इसको नोट कर लेंगे। इसको अब फिर कॉपी पेपर पर नोट कर लेंगे आप, और आपने जो क्वेश्चन पेपर उसको पेपर आपने सॉल्व कर ही रखा है अपने कॉपी में, उसको रफ कॉपी में सॉल्व करके आपने उसको क्वेश्चन सारे आंसर्स लिख रखे हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर नंबर है। अच्छा, अब उसको वेबसाइट पर चेकिंग करने के लिए इंटर करना है, तो अभी उसी के लिए ये पासवर्ड लगेगा, तो आप इसका पासवर्ड यूज़र आईडी नोट कर लिए, हाँ अपने नाम के आगे का। टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा यहाँ क्लास वाइज नहीं सजा हुआ है, अब थोड़ा आपको अपना नाम ढूंढना पड़ सकता है। और ये यूज़र आईडी पासवर्ड नया है, जो आप पहले अभी तक पीसा टेस्ट देते रहे ना उनसे ये थोड़ा सा नए तरीके का है, तो इसको आप अपना नाम ढूंढ लीजिएगा और बढ़िया से नंबर लिख लीजिएगा। हाँ और ये नंबर ढूंढने के बाद अभी आगे हम लोग चलेंगे इसमें। ये उसमें लिंक दिया हुआ है यूज़र आईडी ऑफ द स्टूडेंट पीसा यूज़र्स, ऊपर में सबसे लिखा हुआ है रीड ओनली, मीन्स कोई इसको चेंज नहीं कर सकेगा। यस, इसको छोटा बड़ा भी आप करके देख सकते हैं, ये हमने 100% किया, थोड़ा बड़ा हो गया और किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो छोटा भी, ऐसे स्क्रीन को ऐसे करेंगे ना स्ट्रेच करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और जैसे आप जानते होंगे ये छोटा भी हो जाएगा। यस, तो ये स्टार्टिंग के लिए ठीक ठाक है, इम्पोर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं आप। यस, इसमें फिर वही जैसे आपके जो टीचर ने होंगे उनको उन्होंने लिंक भेजा होगा, ये pisa.sesgon.government.in, इस पर ये जो लॉगिन लिखा है ना, तो आपको वही नंबर लिखना है,
ये फॉर एग्जांपल के लिए हम एक नंबर किसी का भर रहे हैं, ये वही 1912 वाला, यस ये लॉगिन। जैसे आप जो पीसा डॉट ऊपर सेशन पर करोगे तो ये ऐसा पेज खुलेगा, और इसमें आपको जो अपने नाम के आगे अपना यूज़र आईडी था वो वाला यहाँ फिलअप करना है, दोनों एक ही जैसा है। फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन करना है, यस लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा ऊपर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन है ना फिलहाल। हाँ अब यहाँ पर लिखा है चेंज पासवर्ड, तो आप अभी क्या अपने नाम के, अब फॉर एग्जांपल हमने इस बच्चे का लिया हुआ है तो हमने इसका नाम नया पासवर्ड छोटा सा, इवन अपना नाम भी आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे, न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड वो आपने नोट कर लिया, ईमेल एड्रेस आप चाहो तो अपना लिख दो, और मोबाइल नंबर चेक कर लो। आप अभी एड्रेस कोई भी डाल दें, अदरवाइज आप इसको बाद में चेंज भी कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी फ़ोन को भी। आप देखोगे बाद में इसमें एक प्रोफाइल का सेशन हम आपको खोल के दिखाएंगे, उसके थ्रू आप चेंज भी कर पाओगे। फिलहाल तो इसमें हमने एक अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाउनलोड कर दिया। अच्छा अब उसके बाद दिखाएगा कि आपका देखो पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली। अब आपका लॉगिन आईडी जो नंबर था पहले अभी भी वही है, लॉगिन आईडी 1912 करके ऊपर में यूज़र नेम अभी भी वही है 191208 वाला ये, लेकिन पासवर्ड अभी आपने जो अपने मन से बदल लिया ना, अब वो पासवर्ड आपका आ गया और केवल वो पासवर्ड आपको पता है, तो और कोई स्टूडेंट आपका पेपर नहीं दे पाएगा। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि मेरे पेपर किसी और ने दे दिया, तो अब चूंकि वो उनके पेज के लिए खुलेगा ही नहीं, वो पासवर्ड केवल उनको पता है, तो अपना ये पासवर्ड आप अपनी कहीं डायरी में नोट करके लिख लें। यहाँ पर हमने एक बच्चे का नाम लिख दिया है पासवर्ड के रूप में, फिर लॉगिन कर देंगे तो अब ऐसा पेज खुलेगा। अब इस पेज में सबसे ऊपर देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, तो आप चाहें तो उसको ब्लिंक को वीडियो भी देख सकते हैं, एक वीडियो दिखा रहा है, ट्रेनिंग वीडियो फॉर द स्टूडेंट के लिए भी है, तो अभी हमने नहीं किया है लिंक, बाद में आप देख पाओगे, अदरक से भी लिख दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर है गो टू द लॉक टेस्ट ऑप्शन फॉर द लॉकिंग एंड कैलकुलेशन, ये बता रहा है कि जब आप पूरा आफ्टर सेविंग योर रिस्पॉन्स, पहले आप सेव करोगे उसके बाद ऊपर में देखो एक लॉक टेस्ट लिखा हुआ है, लॉक टेस्ट सबसे ऊपर ब्लू वाले लाइन में, तो पहले अभी हम बताएंगे आपको, आपको सेव करना होगा जब आप पेपर अपना खोलोगे, अभी सेव करने के बाद तब उसको लॉक करना पड़ेगा, तब जाके ही वो आपका पेपर सबमिट हो पाएगा। थर्ड नंबर में लिखा है वो एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रेड वाला छोटे छोटे जो लिखा है, इफ़ स्टूडेंट्स लॉक द रिस्पॉन्स, यस इफ़ द स्टूडेंट्स लॉक द रिस्पॉन्स यूजिंग लॉक ऑप्शन, अगर एक बार आपने लॉक कर दिया है तो अब आप उसको रिस्पॉन्स को चेंज नहीं कर पाओगे, ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स विल बी लॉक परमानेंटली, तो जब आप लॉक करोगे तभी वो आपको आंसर आपके नंबर बताएगा और वो फाइनल हो जाएगा, लॉक करना ही पड़ेगा बाद में, ये नहीं कि अब आप पेपर सॉल्व करने के बाद सेविंग कर दो, अभी हम दिखाएंगे आपको। यस तो अगर आप ऊपर में ये जो क्वेश्चन पेपर लिखा है ना ब्लू में, अगर उसको टिक करोगे तो ऐसा पेज खुलेगा, जो कि क्वेश्चन पेपर आपको अलग से दे ही दिया गया है पहले से, तो अगर आप किसी को भी ओपन करोगे तो आपको वही क्वेश्चन पेपर खुलेगा, तो अभी आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम भी सब ये ट्राई कर रहे थे तो हमने ये क्वेश्चन पेपर, ये आपको वही ट्रेनिंग दे रहा है स्टूडेंट को कैसे कैसे फिलअप करना है, जो आपको हम अभी बता रहे हैं इस वीडियो में वैसे ही उसमें भी बताया गया है। ये तो आप चाहें तो पूरा वीडियो रुक के देख सकते हैं, ऊपर ही अभी भी वही चल रहा है, देखो ये तो क्वेश्चन पेपर में हमने टिक किया है तो उसमें ये ओपन हो रहा है, तो क्वेश्चन पेपर के बाद ये देखो ये क्वेश्चन पेपर वही हो गया जो बाहर आपको पहले ही दे दिया गया है, जिसको आपने सॉल्व भी कर लिया है, ये CCT6 और CCT7 हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो ऊपर में लिखा है CCT टेस्ट, अब वो टेस्ट को इंटर करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एकेडमिक ईयर एक ही है 20 और 21, यस फिलअप कर देंगे, वो एक ले लेगा सेलेक्ट कर लेगा, और ये CCT अभी आपके पास दो पेपर थे ना CCT 6 या 7, तो इसमें से आप जो अभी जिसका आंसर अभी आप करना चाहते हो इसको आपको दो बार ही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, अभी जैसे मान लो हमने 6 के लिए गया
तो सिक्स वाला पेपर के साथ में देखो आंसर खुल जाएंगे। ये केवल चेकिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो देखो उसके आगे ये ब्लिंक, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, रेड वाला, हाँ। अब आपको यहाँ पर अपना ऑप्शन फिलअप कर देना है, ए बी सी डी, हर एक क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन नंबर है उसका अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। ये मतलब कि ये सॉल्विंग के लिए है, चेक करने के लिए। यस, ये देखो फोर नंबर में हमने डी कर दिया, ए बी सी डी हमने कर दिया। तो ऐसे आपको सारे ऑप्शन कर लेने हैं। ये जो आपने रफ पेपर पर लिख रखा है ना, उसको देख देख के ही आपको क्वेश्चन नंबर के आगे आपको ऑप्शन फिलअप कर देना है। यस, और देखो अभी नीचे तक आते जाओगे तो टोटल 30 क्वेश्चन, सी सी टी सिक्स में 30 हैं। फिर आधे घंटे बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर सी सी टी सेवन भी, ऐसे ही पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, शुरुआत में सबसे हमने पहले बताया। और फिर उसके बाद ए बी सी डी करने के बाद ये सबसे लास्ट में जो लिखा है नीचे सेव, सेव बटन आपको दिख रहा है नीचे, सेव या सबमिट, तो कह रहा है सेव कर दो उसको। तो सेव कर देंगे तो वो आप चाहें तो उसका फिर सेव हो जाएगा। तो ये पहला काम हो गया, आपने ऑप्शन सारे एंट्री करके सेव कर देंगे। ऐसी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 11 सिक्स वाले जो क्वेश्चन थे ये सी सी टी क्वेश्चन पेपर। अच्छा यस, अब उसके बाद में अभी हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर में लॉक। यस, ऊपर ब्लू वाले में जो भी लिखा है, यस, तो ये हमें ऐसे कर दिया, ए सी सी टी सिक्स में ही। यस, तो अब हमको, आप चाहें तो आपको सेव नहीं करना है, आपको सीधे लॉक पर ही जाना है, तो आप यहाँ पर कर लो सबसे अच्छा। यस, सेव नहीं करना है हमको, सीधे यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन पूरा फिलअप कर लो। अगर आप वहाँ भी फिलअप कर दोगे सेव सबमिट वाले में, तो यहाँ पर अपने मन से ऑप्शन फिलअप दिखाई देगा। फिर ये नीचे लिखा है लॉक, इसी लॉक के बारे में पहले बता रहा था कि अगर आप सेव सबमिट रखोगे तो दोबारा ओपन करोगे तो वहाँ पहुँचते हो, लेकिन अभी तो हम लोग का टाइम है नहीं कि अभी सेव रखें बाद में लॉक करेंगे ना, अभी सेव करो उसके बाद लॉक कर दो एक बार देख के। तो ऊपर में जो लिखा है ना ये लॉक टेस्ट, आप वहीं से जा सकते हैं। फिर ये हमने प्रोफाइल भी आपको दिखाया है कि आप एक्चुअली बाद में अपना प्रोफाइल का भी ऊपर ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, तो अपना प्रोफाइल आप यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। यस, ये आप अपना ये नाम तो आपको चूँकि वही रहना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बाद में भी आप चेंज कर पाएंगे। ये ऊपर में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखा रहा है। यस, ये फिर से वही ट्रेनिंग का दिखा रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वही था कि आप पहले क्वेश्चन पेपर तो आप बाहर में सॉल्व कर लो, सारे आंसर्स को इसमें पुटअप कर दो। ये फिर वही पहला बार वीडियो है, दूसरे बार भी बता रहा है कि सेव बटन और तीसरी बार लॉक बटन के बारे में बता रहा है रेड कलर वाले में। यस, अभी हमने लॉक नहीं किया है बिकॉज ये तो हम ट्रेनिंग के लिए बना रहे हैं ना। तो ये एक बार सी सी टी सिक्स के लिए करना पड़ेगा आपको ऐसे, फिर सी सी टी सेवन एक बार सॉल्व कर लो पूरा, कल भी कर सकते हैं वो, और उसके बाद फिर उसका ए बी सी डी लिख के रखे रहो। फिर उसके बाद ऐसे ही आकर जो पीसा शीसा गुण है ना, तो ये आपके रिजल्ट बनाने का वेबसाइट, रिजल्ट बनाने का प्लेटफॉर्म है। यस, ये यस, तो ऐसे ही एक बार आपने सिक्स के लिए किया, अब आप सेवन के लिए कर दोगे, ये दोनों के लिए आपको सबमिट करना है। तो ये जो पीसा वाला है ये प्रिंसिपल सर की ओर से है, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल सर ने भी हम लोग को ये बोला है, हमने आपको सब बताया है इसमें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो भी लोग इसमें अच्छा करेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी आगे चलकर, तो आप इसको अच्छा करें। और फिर लास्ट में जब आप सबमिट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेज दें, हम टीचर